देऊ काय आम्ही तुमची मागायला बोलली गाडी तुम्ही उभा राहिली का राजे तुम्ही गेला आम्ही बघितलं तुम्हाला इंडिओर मधून तुम्ही समीर झालं अशी तो बाईक आले पाहिजे नाही माझं असं काय मी साहेबांना भेटतो राजांना भेटतो मी गणेश नाही व्हिडिओ आहे थे मंडे राईड के लिए लेकिन देखो इंसिडेंट देखो कैसा है हम लोग आए पावनखिंड में जा रहे थे विशालगढ़ पे आज का दिन बलिदान दिवस मनाया जाता है बाजी प्रभु की याद में जिन्होंने शिवाजी महाराज के लिए आदिल शाह के मिलिट्री से वॉर किया और शिवाजी महाराज जब तक विशालगढ़ नहीं पहुँचे उनको रोक कर रखा। यहाँ पे कोल्हापुर के छत्रपति संभाजी राजे से मुलाकात हुई कॉप राइडर्स की और अब लोग हम आपको दिखाते हैं कि ये जगह कहाँ पर जाती है। वो जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे वॉर हुआ था। अच्छा तो ये जो आप देख रहे हो ये देखिए ये प्रतीकात्मक बनाया है उन लोगों ने कि यहाँ पे ये जो नीचे देख रहे हो आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे लड़ाई हुई थी और उसकी याद में यहाँ पे स्मारक बनाया गया है बाजी प्रभु देशपांडे का जी के देशपांडे ना बाजी प्रभु देशपांडे ना देशपांडे। तो चलो एक इंसिडेंट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे पहुँचे और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली और बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और संभाजी राजे से मुलाकात भी हुई। अब हम लोग चलते हैं आगे हमको जाना है विशालगढ़ तो वहाँ पहुँच के फिर आपसे मुलाकात होगी। हाय एवरीवन, बस एक किलोमीटर बचा है, ये रोड सीधे जाता है विशालगढ़ 1 किलोमीटर और यहाँ से अम्बा है कुछ 19 किलोमीटर। लेकिन हम लोग अम्बा से नहीं आए, हम लोग आए थोड़ा सा घूम कर, आज शौर्य दिवस था बलिदान दिवस था, थोड़ा सा घूम के आए हम लोग। यहाँ पे एक पावनखिंड है उसको करते हुए और अब हमारे शायद कॉप राइडर्स पीछे रह गए, मैं अकेला आ गया हूँ। ये आया हमारे कॉप राइडर्स, देखो ये आया एक, ये आया एक, यह है सैम भाई। बहुत धीरे चल रहे हैं लोग, मैं तो तेज़ी से आ गया लेकिन ये लोग बहुत धीरे चल रहे हैं। अब मेरा दूसरा मेंबर आएगा आपको दिखाता हूँ मैं, और ये आया है दूसरा मेंबर, ये कौन आया है, ओहो ये है आसिफ भाई और साहिल भाई और ये जीके। फाइनली हम लोग विशालगढ़ में पहुँचे, बारिश बहुत सारी है और फॉग भी है, देखो कपड़े पूरे गीले हुए, लेकिन चलता है। राइड का नशा अलग है और नशे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई शराब पीता है, कोई तंबाकू खाता है, वैसे हम लोग राइड करते हैं, है ना मारी भाई? सही है। विशालगढ़ पहुँचे हैं, आने का मकसद यही है बस राइड करना और अच्छी राइड हुई, बहुत आसानी से आए और सेफली पहुँचे यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसा माहौल है, एटमॉस्फेयर देखो कैसा, हमारे में दिखाओ जरा, इतना सारा फॉग है और उसमें बारिश हो रही है। प्रॉब्लम ये है कोरोना के वजह से कोई दुकान शुरू नहीं है, ना चाय है भाई, चाय ना खाना है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन ये जो मौसम है ना ये बहुत कैसा है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। साहिल भाई कहाँ शुरू हो जाओ,
अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरे राइडर्स जो है ना हमारे ग्रुप के, देखो इन्होंने तो रेनकोट तक नहीं लाया आज लेकिन इनका नसीब अच्छा है कि जब बारिश रुकी तब ये निकले बाहर, सही है ना? सही। अच्छा, और ये देखो राइनॉक्स मेंबर सैम भाई, और ये तो रेनकोट मेंबर है, देखो जब से निकला है भाई रेनकोट पहन के ही निकला है, और इसको तो आप जानते ही हो मिराज के ब्रांड एम्बेसडर मैं भी हूँ, मैं भी नहीं हूँ भाई, मैं भी हूँ देखो भाई मैं भी हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा सा करता हूँ लेकिन ठीक है ना, मैं कैमरा के सामने नहीं करता हूँ। और हमारे ये जो भाई है ये तो मैं कैमरा जैसे शुरू करता हूँ ना ये शुरू हो जाते, हाँ सही है ना। चलो गाइस पहुँच गए हैं, वापसी में दिखाते हैं लंच होगा, और लंच भी बेहतरीन है, मलकापुर से 3 किलोमीटर आगे एक पॉइंट है, आपको मिलवाता हूँ उनसे, मेजर साहब है, मेजर है या फिर मिलिट्री से रिटायर्ड है, अच्छा खाना होता है वहाँ पे। अब जैसे ही थोड़ी बारिश कम होगी है हम लोग यहाँ से निकलने की सोच रहे, सही है ना जी आसिफ भाई? जैसे ही बारिश कम होगी निकल जाएंगे ऐसे, राइट। चलो गाइस मिलते हैं, अभी थोड़ा सा घाट का भी दिखाऊंगा, आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। इरशाद भाई किधर है भाई? इरशाद भाई कहाँ रह गया आप? इन्जॉय लॉट ब्रो, भाई बिल्कुल इन्जॉय कर रहे हैं, देखो इरशाद भाई मैसेज कर रहे हैं हम लोग, भाई इन्जॉय कर रहे हैं। इरशाद भाई गोवा में फंसे हुए हैं लॉकडाउन शायद कोरोना की वजह से, आप कभी आइए विशालगढ़ में, आजा भाई आजा। ये देखो एक आया हमारा साथी आया, देखो हाँ कहाँ घूम रहे भाई? यहाँ विशालगढ़ को फिरने? अब यहाँ क्या है रे? अच्छा दरगाह को आया था, आज छुट्टी है ना, ऊपर गया था तू? अभी शुरू है ऊपर, शुरू है ऊपर सब, होटल वटल चालू है? होटल नहीं, होटल नहीं, क्या फ़ायदा उसका। चलो देखा आप लोगों ने होटल वटल सब बंद है, अभी निकलते हैं यहाँ से, निकलने के बाद थोड़ा सा घाट दर्शन, उसके बाद में पेट पूजा, फिर बैक टू होम। सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। बारिश इतनी तेज है, पूरे भीगी भाग के अभी पहुंचे हैं। हाँ खाने वाने का आपको दिखाने का था लेकिन इतना गीले हो गए कि बस कुछ करने का दिल नहीं। जब अंदर तक आदमी गीला हो जाता है तो फिर अंदर तक गीले हो गए, अंदर तक। तो आसिफ भाई ने हमारे रेनकोट नहीं लाया था तो ऊपर का कोट मैंने डाला और पैंट उन्होंने डाला, तो ऊपर से भीगे मैं नीचे से भीगा हूँ दो दो आधा आधा भीगे। साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अभी सीधा मैं घर पे जाके ही आराम करेंगे भाई, बहुत थक गए बारिश में। याद से सब्सक्राइब करना कॉम्रेड।